यूपी के अमरोहा जनपद के हसनपुर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम द्वारा देर रात दिल्ली के मोस्ट वांटेड ताहिर हुसैन के रिश्तेदारों के घर मोहल्ला पाला शहीद में दबिश देने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि रात दिल्ली पुलिस आई थी और उन्होंने कुछ जगह दबिश दी है। बता दें कि दिल्ली दंगों में मोस्ट वांटेड अपराधी ताहिर हुसैन के फरार होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम लगातार उसके पुश्तैनी गांव पोरारा और रिश्तेदारों के घर दबिश दी थी। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दिल्ली पुलिस जहां पहुंची थी वहां कोई नहीं मिला, लेकिन दिल्ली पुलिस पहुंची जरूर थी और उनके साथ हसनपुर कोतवाली पुलिस भी थी। उन्होंने पहले हसनपुर कोतवाली में आमद कराई थी। इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस दोबारा भी आ सकती है। उनका कहना है कि उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस के पहुंचने से पहले ही रिश्तेदार फरार हो गए थे और पुलिस उनके रिश्तेदारों और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और पुलिस को सरगर्मी से ताहिर हुसैन की और उसके कुछ लोगों की तलाश है जिनकी लिस्ट को साथ लिए आए थे। सर, क्या मामला है दिल्ली पुलिस का? दिनांक 4 मार्च को शाम को 7:30 बजे करीब दिल्ली पुलिस आई थी। थाना हसनपुर में उन्होंने आमद किया अपनी और लोकल पुलिस के साथ एक दो जगह पर गए थे। वो एक ताहिर नाम के व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो दिल्ली पुलिस में वांछित है। सर, लोकल पुलिस भी क्या? लोकल पुलिस को साथ लेकर गए थे।